एक था टाइगर नहीं, एक था पाकिस्तान। बना बहुत अच्छा, हम भी देखेंगे। जब भी देखा गया कि डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार आती है तो वो युद्ध ज्यादा करते हैं, चाहे ये जो बाइडेन हो गए, ओबामा हो गए, बुश हो गए, हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप थे, ये ट्रंप साहब चले गए अपना कार्यकाल पूरा करके, कोई युद्ध नहीं किया। हालांकि इन्होंने मेन फोकस चाइना और ईरान को किया था, लेकिन डेमोक्रेटिक वाले हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। ओबामा साहब के समय देखिए कई कई लड़ाई लड़ी गई थी, उस समय सीरिया का भयानक इशू हो गया था, लीबिया वाली लड़ाई हो गई थी, फिर भी ओबामा को क्या मिल गया, शांति का नोबल पुरस्कार मिल गया। और हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरे भारत में वैक्सीनेशन नहीं हुआ ये देखने के बावजूद पूरे दुनिया को मदद कर रहे हैं, कोरोना वैक्सीन भेज रहे हैं। अगर नहीं भेजे तो क्या इनके ऊपर कोई प्रेशर लगेगा? नहीं। लेकिन इनके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री को नोबल पुरस्कार शांति का नहीं मिलेगा, लेकिन ये चार चार गोल युद्ध लड़ लेंगे फिर भी शांति का नोबल दे दिया जाएगा इनको। ये लोग एकदम होशियार है। देखिए भाई साहब एक बात बताते हैं, अगर कोई आपको अंधेरे का डर दिखा रहा है तो मतलब आपसे टॉर्च बेचना चाहता है, तो ये भी युद्ध का डर दिखा के हथियार बेचना चाहते हैं। ये जो बाइडन है बहुत बड़ा होशियार बनते हैं, हथियार ले लो, बम ले लो, तोप ले लो, बंदूक ले लो, मिसाइल ले लो, सब हथियार का व्यापारी है सब, इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में ये रिपोर्ट दिखा के और हथियार बेचना चाह रहा है। पाकिस्तान तो डर के मारे ले ही लेगा कि भैया हमारा क्या हाल होगा यहाँ पर। लेकिन एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि 2024 से 25 के बीच में ये रिपोर्ट सही भी हो जाएगी तो हमारे लिए तो अच्छा है। मोदी जी से बार बार पूछा जाता है कि हम लोग पीओके क्यों नहीं ले आ पाते। 1947 से 48 के बीच में जैसे देश आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान ने भारत का ये 30% एरिया जो ग्रीन वाला देख रहे हैं इसे पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिग्रहित कश्मीर, ये कब्जा कर लिया। और इसमें से लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का ये जो था ये चाइना को गिफ्ट दे दिया था। ये इसे सक्सक्राम वैली कहते हैं, चाइना को इसने गिफ्ट दे दिया। तो हम लोग को पीओके को वापस लाने यही एक अच्छा बहाना हो जाएगा, तुम आतंकवादी हमला करो, हम लोग इधर से पलट के कर देंगे। अब अमित शाह के लिए तो भैया खुशी का कोई ठिकाना नहीं, 2024 के चुनावी मैनिफेस्टो में कर देंगे कि एकदम इस बार हम लोग लेके आएंगे पीओके। अच्छा बात है भैया, हमारा जो टुकड़ा हुआ भारत है अखंड भारत बन जाए, ऐसे कोई अजुराते रहे हम लोग थूर थार के बराबर कर देंगे। कौन सा डर लगा हुआ है हम लोग को अखंड भारत? हम भी चाहते हैं भैया भारत अखंड हो जाए, हम कहां से कहां तक चालू होते थे यहां पर। और इसमें ये सलमान खान एकदम खुश है, ये क्या लिए खुश है? कह रहा कि भैया मेरा एक तो मूवी था बहुत हिट कर गया, एक था टाइगर, अब 2024 में एक मूवी बनाने जा रहा है। इसको क्या लगता है भाई साहब, सलमान भाई, बजरंगी भैया, इनका क्या सोचना है कि भैया 24-25 में जब पाकिस्तानी हमला करेगा तो भारत के हमले में पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, तो एक मूवी बनाना चाहते हैं। एक था टाइगर नहीं, एक था पाकिस्तान। बना बहुत अच्छा, हम भी देखेंगे, चलेगा बहुत अच्छा मूवी। आप मत रोइए, मत रोइए, देखिए आप ही लोग की गलती है, हम लोग जबरदस्ती मारने आते हैं। हम लोग गए थे पुलवामा में हमला करने के लिए, आप ही का मंत्री कह रहा है कि हम लोग पुलवामा में मारे हमला। अरे भैया आप सोते हुए सैनिकों को मारे, हम लोग आपको उठा के धो के चले हैं भोरे भोरे। मत रोइए, मत रोइए, मत रोइए, चुपचाप हो जाइए।